नमस्कार, मैं हूं आपके साथ इंशा। नेशनल रूडो 24 पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की खबर उत्तराखंड के चमोली से। जनपद चमोली में देर रात से लगातार बारिश जारी है। भारी बारिश के चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग बिरही जाड़ा के पास मलबा आने से बंद हो गया है पूरा रास्ता। थाना अध्यक्ष चमोली कुलदीप सिंह रावत ने बताया कि सुबह से ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है और दोनों तरफ वाहनों को सुरक्षित स्थानों पर खड़ा किया गया है। सड़क से मलबा हटाने के लिए NH को सूचित कर दिया गया है। वहीं बद्रीनाथ राष्ट्रीय मार्ग पागल नाला के पास भी मलबा आने से बंद हो गया है। वह सड़क पर मलबा आने के बाद चार धाम यात्रा में आने जाने वाले यात्रियों के साथ स्थानीय राहगीर भी सड़क खुलने का इंतजार कर रहे हैं। चमोली से नवीन सिंह की रिपोर्ट। बिरही में यहाँ बिरही चाड़ा पे दो जगह स्लैब आया है, काफ़ी बड़े बड़े बोल्डर हैं और दोनों जगह मशीनें काम कर रही हैं। अभी ब्रेकर भी भिजवा रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि बड़े बोल्डर हैं तो तोड़ना पड़ेगा उनको, शायद थोड़ा अभी एक डेढ़ घंटा लग जाएगा रोड खुलने। हाँ, यात्री हमने बिरही में रुकवा दिए हैं, नीचे भी रुकवा दिए हैं, उधर पीपलकोटी रुकवा दिए हैं कि जब रोड खुल जाए तभी आप आगे बढ़ें, और जहाँ जो मायापुर है, जहाँ हमारे होटल्स हैं, ताकि यात्री को असुविधा ना हो, इसलिए उनको वहाँ पर रुकवा दिया गया है। जी, हम हेमकुट साहब की यात्रा के लिए आए हैं, लेकिन बारिश वगैरह पड़ रही है। अब कल से रात को हम पहले रुके थे रासू में, तो वहाँ से बारिश पड़ रही है रात को, तो यहाँ पर रास्ते में अब पत्थर वगैरह गिर चुके हैं। कह रहे हैं अभी कि सुबह के 5-6 बजे गिरे हुए हैं पत्थर यहाँ पर, तो उनका काम देखते हैं अभी कितना टाइम लगेगा उनको खोलने में वगैरह में। वो JCBs वगैरह लगी हुई हैं, पूरा जाम लगा है काफ़ी लंबा, काफ़ी मतलब ट्रैफिक वगैरह हुआ हुआ है, तो देखते हैं अब कितना टाइम लगेगा।